प्रदेश के सिंचाई यांत्रिकी मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि इस बार का लोकसभा चुनाव भारत माता के गौरव बचाने के लिए हो रहा है। चुनाव के पहले ही देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का निर्णय ले लिया है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी यूपी में 73+ सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। इसका अनुमान 5वें चरण के मतदान के समाप्ति के बाद से ही लगाया जा सका है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा, बिहार का चुनाव किसी को सांसद बनाने का और प्रधानमंत्री बनाने का नहीं है। इस बार का चुनाव भारत माता के गौरव को बचाने का चुनाव है। कच्छ से लेकर कन्याकुमारी तक और अटक से लेकर कटक तक भारत माता का परचम फहराता रहे, ये काम कर सकते हैं तो सिर्फ एक ही नाम है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं। इसलिए चुनाव से पहले देश की जनता ने वोट पड़ने से पहले ही माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का निर्णय ले लिया। अब मैं गोरखपुर से इसको थोड़ा कुछ प्रारंभ करता हूँ। गोरखपुर देश ही नहीं दुनिया के मानचित्र पर चमकेगा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से एयरवेज, रेलवेज और रोडवेज, ये तीनों कनेक्टिविटी कर दी। अब गोरखपुर का चौमुखी विकास होगा और एक तरीके से नेपाल और इसके बीच में विकास का हब गोरखपुर माना जाएगा। दूसरा, गोरखपुर पूर्वांचल को बाढ़ बहुत परेशान करती थी, अब बाढ़ पूर्वांचल को परेशान नहीं करेगी। सरयू नहर परियोजना पूर्ण होने जा रही है। इसमें जो शारदा सरयू का जो अथाह पानी था, जिसके कारण से बाढ़ से पूर्वांचल के 9 जिले डूब जाते थे, तो ये बाढ़ का पानी इस नहर में डालकर पूर्वांचल के किसानों के खेतों की सिंचाई करने का काम किया जाएगा। बाढ़ विनाशकारी ना होकर लाभकारी होगी। यहाँ गोरखपुर में मस्तिष्क ज्वर और जापानी इंसेफेलाइटिस, बाढ़ के कारण से जो पानी भर जाता था, संक्रामक रोग फैलते थे, अब वो नहीं फैलेंगे क्योंकि तरकुलानी पर रेगुलेटर जो बना है हमारा, वहाँ हम पंपिंग सेट बाढ़ के पानी को रोकने के निकालने को पंपिंग सेट पंपिंग स्टेशन का निर्माण कर रहे हैं, जिसकी लागत 4,066.60 करोड़ की है और ये भी अभी शीघ्र ही पूरा होने जा रहा है। हमने उत्तर प्रदेश में, क्योंकि देश की संपदा सोना चांदी रुपया पैसा धन दौलत नहीं है, देश की संपदा धरती है और धरती पर होने वाली नदियां हैं जो विलुप्त हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने पहली बार नदियों को पुनर्जीवित और संरक्षण करने का काम किया है।
इसमें 8 नदियां चिन्हित की हैं। इसमें अपने गोरखपुर जनपद की आमी नदी भी सम्मिलित है। वैसे तो 75 जिले हैं, हर जिले में कोई ना कोई नदी मर रही। पहले चरण में हमने इसको जीवित करने के लिए लिया है और ये चुनाव नए भारत के निर्माण का चुनाव। माननीय मोदी जी ने कहा है कि हम नए भारत का निर्माण करेंगे। नए भारत पुराने भारत में अंतर बताना चाहते हैं। पुराना भारत जिसके प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और आखिरी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, ये पुराना भारत था। पुराने भारत में गांव में बिजली नहीं, दवा नहीं, सिंचाई नहीं, पढ़ाई नहीं, सुरक्षा नहीं, भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया था। जनता में आज़ादी के बाद जनता को लग नहीं रहा था कि हम आज़ाद हैं। थानों में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी। तो एक ही नाम जिस पर पूरे देश की जनता ने भरोसा किया, माननीय नरेंद्र मोदी जी, ये 24 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। तभी से इन 5 सालों में नए भारत का निर्माण प्रारंभ हुआ। नए भारत के निर्माण में माननीय मोदी जी का एक नारा था, सबका साथ सबका विकास। इसमें जो कांग्रेस 60 साल में काम नहीं कर पाई, मोदी जी ने 60 महीने में किया। उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो 3 साल में उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 10 लाख आवास बनाए। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने 2 साल में उत्तर प्रदेश में गरीबों के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इच्छा के अनुरूप 10 करोड़ आवास का निर्माण कराया। 10 करोड़ यूपी में सब मिलाकर, और 1 करोड़ गैस कनेक्शन दिए। यूपी में 57 करोड़ गन्ने के मूल्य का भुगतान कराया। अभी क्योंकि यहाँ पर आपकी चीनी मिलें और ये सब चलने की योजना बनाई गई, गन्ने का मूल्य का भुगतान पिछली सरकारों से लंबित था, तो ये 57 करोड़ मूल्य का भुगतान कराया। किसानों के ऋण 36 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया। 36 हज़ार करोड़ के किसानों का ऋण माफ़ किया, और किसानों की फसलों का बीमा भी प्रारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सोच है कि देश की तरक्की तब होगी जब ग्रामीण भारत की तरक्की होगी, और ग्रामीण भारत की तरक्की तब होगी जब गांव की तरक्की होगी, और गांव की तरक्की तब होगी जब किसान की और खेत की तरक्की होगी। इसलिए पहली बार माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना लागू की, और ये योजना लागू ही नहीं की, इसमें 4,000 रुपये 2 किस्तों के भेज दिए। चुनाव बाद दूसरी किस्त भी भेज दी जाएगी। इसकी शुरुआत अभी कुछ किसानों से किए और ये पूरे देश में सभी किसानों के लिए लाभदायक होगी, लागू कर दिया जाएगा। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम 72,000 देंगे। अब कैसे देंगे, क्या कहेंगे, मैं तो हमारे यहाँ एक गांव में एक कहावत है, एक संघ होता है, एक ढपोर संघ होता है। संघ तो देने का काम करता है, ढपोर संघ खाली घोषणाएं करता है। तो राहुल गांधी जी इस समय ढपोर संघ की व्यवस्था का काम कर रहे हैं। बंधुओं, विकास के साथ साथ जनता को सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा 2 तरीके की होती है, एक आंतरिक सुरक्षा
और एक बाहरी सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा पुलिस करती है। योगी सरकार बनने से पहले उत्तर प्रदेश में गुंडा राज्य था, माफियाओं का राज्य था और सच कहा जाए तो जंगल राज्य था। कानून की व्यवस्था समाप्त थी। जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुए हैं तभी से उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है। या तो अपराधी जेल के अंदर है, या उसने अपराध बंद कर दिया है, या फिर उसका ऊपर सफाया हो गया है और उत्तर प्रदेश में कानून की व्यवस्था बहुत बेहतर है। दूसरा होता है बाहरी सुरक्षा। ये बाहरी सुरक्षा हमारी सेना करती है। जब से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं तब से देश की सीमा में कोई भी आतंकवादी प्रवेश नहीं कर पाया। यदि किसी आतंकवादी ने प्रवेश करने की कोशिश की तो हमारे बहादुर नौजवानों ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर सीने पर गोली झेलकर अपनी कुर्बानी कर दी और देश की सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया आतंकवादियों को। जनता बहुत आराम से जीवन व्यतीत कर रही है सुरक्षा के साथ। पहले इससे पहले कभी आतंकवादी लखनऊ में आ गए, अयोध्या में बम विस्फोट करते थे और तो और आपके गोरखपुर में गोलघर पर भी बम विस्फोट हुआ। बहुत बम विस्फोट होते थे, बम्बई में बम विस्फोट हुआ, इवन दिल्ली में भी संसद पर बम विस्फोट हुआ। लेकिन अब जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं तब से देश की जनता बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित है। दूसरा, दुनिया में पहले ऐसे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने पाकिस्तान के आतंकवादियों को पाकिस्तान के घर में घुस के मारने का काम किया और अब आज तक कोई पाकिस्तान से बदला नहीं ले पाया। तो हम बाहरी और आंतरिक सुरक्षा में भी चाक चौबंद हैं। इसलिए इन सब बातों से परेशान होकर माननीय मोदी जी को कैसे हटाया जाए, ये बेमेल समझौता भी हुआ है। सपा बसपा कभी समझौता नहीं करते। सपा बसपा कांग्रेस एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। गरीब माँ की कोख से पैदा इंसान दोबारा कहीं प्रधानमंत्री ना बन जाए। उपहास उड़ाने में अखिलेश यादव भी कम नहीं है। अखिलेश यादव जी ने कहा कि मोदी जी चाय वाले हैं तो मैं दूध वाला हूँ। मैं आपके माध्यम से अखिलेश जी से पूछना चाहता हूँ, क्या कभी उन्होंने भैंस को सानी की? क्या कभी भैंस को पानी पिलाने का काम किया? क्या कभी उन्होंने दूध भी दुआ होगा? माननीय मोदी जी ने चाय बेची तो चाय के बर्तन भी साफ करने का काम किया। इसलिए ये चुनाव परिवर्तन का चुनाव है, देश की सुरक्षा का चुनाव है। सच कहा जाए तो ये चुनाव आतंकवाद और राष्ट्रवाद के बीच का चुनाव है। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम देशद्रोह का मुकदमा नहीं चलाएंगे। अब पाकिस्तान का बम गोरखपुर पे गिरे तो उस बम पे ये नहीं लिखा होगा कि हिंदू मरेंगे और मुसलमान बच जाएंगे। पाकिस्तान पर का बम गिरेगा तो हिंदू भी मरेगा और मुस्लिम भी मरेगा। तो ये चुनाव मेरा सीधा सीधा मानना है, इस बार का चुनाव देश के वफादार और देश के गद्दारों के बीच का चुनाव है। इसलिए निश्चित रूप से ये राष्ट्रीय मुद्दों का चुनाव है। ये काम को कोई कर सकता है तो देश की जनता ने ये निर्णय ले लिया है, मोदी जी को इसलिए दोबारा प्रधानमंत्री बनाने का निर्णय लिया है। देखिए एक बात तो आप साफ मान लो, इस समय अब ये बात थम गई कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। और जो पांच चरण के अभी चुनाव हुए हैं इन चुनाव में साफ चित्र आ गया कि जनता ने मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का निर्णय ले लिया और पक्ष में मतदान कर दिया। पूर्वांचल भी इसी तरीके से आगे बढ़ेगा और निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत की सरकार देश में बनने जा रही है। भाई मीडिया से भड़कने का, कौन भड़क गया आप लोग पता नहीं क्या,
कह देते होंगे, मैं तो नहीं भड़कता, बाकी लोग भड़क रहे हैं तो मुझे पता नहीं। मेरी बात सुन लो, इनका प्रश्न का उत्तर दे दे। अब ऐसा है, मीडिया मित्र है और आप लोग मित्रता का काम करते हो, मुझे नहीं लगता वो भड़की होंगे। हाँ, तो हम भी यही हैं, आप भी यही हो। ये चुनाव, अब आप कहोगे कि आप पहले उपचुनाव में भी ऐसे ही कहते थे, आप ये भी कह सकते हो कुछ देर बाद, क्योंकि हमने प्रेस की थी कि आप हम उपचुनाव भी जीत रहे हो। उपचुनाव जो होते हैं वो स्थानीय मुद्दों पर होते हैं, और ये चुनाव आम चुनाव, ये राष्ट्रीय मुद्दों का चुनाव है। देखिए, वास्तव में सीनियर लीडर हम उनकी सीनियर टीम पे कुछ सवाल नहीं, हम वो सीनियर टीम पे उनका कुछ सवाल नहीं उठा रहे। वास्तव में सीनियर है और बहुत विद्वान है, उन्होंने क्या कहा होगा, किस परिप्रेक्ष्य में कहा होगा, उस समय कहा होगा, मैं नहीं उनकी बात का वो भी नहीं कर रहा। लेकिन हम जो कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 73 तिलस्कर,